हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा कल हमने ना लैंड रिफॉर्म्स पढ़े थे। बाबू लैंड रिफॉर्म्स हमने कल रीड कर लिए थे एनसीईआरटी से, आज हमने लिखने भी हैं और एक बार दोबारा से समझने हैं। मैंने लेकिन कल आपको एक बात बोली थी कि एनसीईआरटी में तो दो तीन रिफॉर्म की बात की गई है, लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं 10 से 15 हेडिंग का डिस्कशन करने वाला हूँ इस पर। बाबू मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना? एकदम 10-15 हेडिंग लिखेंगे तो बाबू लिखने में बहुत टाइम जाएगा। पहले थोड़ी लिखा करेंगे, थोड़ी समझ लेंगे, ऐसे चलेंगे हम। आपको ये बता रहा हूँ बेटा, टॉपिक का नाम आप लिखोगे, अभी लिखना मत, मैं पहले समझा रहा हूँ। एग्रेरियन रिफॉर्म, या बेटा बोल सकते हो रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, या बेटा एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1950 to 1990, ठीक है ना? चैप्टर का नाम भी यही था। बाबू एग्रेरियन रिफॉर्म में बेटा मैं रिफॉर्म को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक ही तरीके के रिफॉर्म एनसीईआरटी में दिए गए हैं, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है ना? बाबू लैंड रिफॉर्म की तो चर्चा वैसे कल थोड़ी बहुत कर ली थी, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं बेटा। टेक्निकल रिफॉर्म्स, टेक्निकली बेटा एग्रीकल्चर बहुत बदल गया था, उसकी चर्चा करनी है। और कुछ जनरल रिफॉर्म्स भी हैं बेटा। तो लगभग लगभग बेटा अगर मैं बात करूं, 4 हेडिंग मुझे यहां पर भी करानी है, 4 से 5 हेडिंग मैं यहाँ पर भी कराऊंगा और 4 हेडिंग यहाँ भी कराऊंगा। तो देखते हैं बेटा, कुछ 12-13 तो हेडिंग होने ही वाली है, ठीक है बेटा? अब आप क्या करो, ऐसे ही बेटा अपने पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, लेकिन सुन लेना, उसके बाद मेन टॉपिक लिखना लैंड रिफॉर्म, और बेटा उसके बाद मैं बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? जरा नोट करना इसको। लो बेटा फर्स्ट हेडिंग लिखना लैंड रिफॉर्म में, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। लिखना शुरू कर, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। लैंड रिफॉर्म मेन टॉपिक, इसमें फर्स्ट हेडिंग, और हेडिंग ऐसे नहीं लिखनी, इतनी जरा जरा सी पूरे पेज पर। बाबू आगे लिख रहे हैं बेटा इसी में फर्स्ट बुलेट, इंटरमीडियरीज popularly known as, intermediaries popularly known as जमींदार्स, जमींदार्स were abolished second bullet, ownership right was again transferred to actual tiller of soil, bracket में लिख लेना farmers। next heading, regulation on rent, rent rent, to put an end हाँ फर्स्ट बुलेट है, to put an end to the excessive exploitation and illegal extortion, by jamindars, rent had been fixed. Second bullet, rent cannot exceed 1/3 of the value of crop.
वैल्यू ऑफ द क्रॉप, थर्ड एडिंग इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, थर्ड एडिंग है बेटा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। फर्स्ट बुलेट लिखना है बेटा, कंसोलिडेशन इज द प्रैक्टिस, कंसोलिडेशन इज द प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड, टू अलॉट लैंड एट वन प्लेस। कंसोलिडेशन इज द प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड एट वन प्लेस इंस्टेड ऑफ फार्मर्स अपोस्ट्रोफी ऐसा है, फार्मर्स स्कैटर्ड लैंड हेयर एंड देयर, फार्मर्स स्कैटर्ड लैंड हेयर एंड देयर। इसमें सेकेंड बुलेट लिखना, इट सेव्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, इट सेव्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, या इट सेव्स अ लॉट, कुछ भी लिख लो, इट सेव्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। नेक्स्ट हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, लैंड सीलिंग, सीलिंग की स्पेलिंग है CEILING, दिया तेज तेज लिख बेटा, कुछ नहीं होता, जो छूट गया एक बार छोड़ दो, अभी कर लेना कंप्लीट। लैंड सीलिंग, यहां से मैं लिखना शुरू कर दूंगा, लैंड सीलिंग में लिखो, लैंड सीलिंग मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड, that a farmer or his family can own. Land sealing means the maximum land that a farmer or his family can own. Second bullet, the surplus land was resumed by government, reserve मतलब नहीं नहीं अभी मैं बता रहा हूं, the surplus land was resumed by the government and distributed again to the landless farmers, बेटा ऑल दो कल मैंने इस चीज पर चर्चा की है, मैं एक बार फटाफट से इसको बता रहा हूं और फिर बेटा हम क्या करेंगे, बार रीड कर लेंगे, सामने देखना बाबू, सामने देख रहे हैं आप सब, हम बात कर रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ हो सकती है तो बेटा यही है, और बाबू गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसी के स्ट्रक्चर में चेंजेस करे, बहुत सारे चेंजेस। पहला चेंज है बेटा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, आपको याद होगा बेटा मैंने कल भी बताया था ट्रायंगुलर रिलेशनशिप थी 1950 से पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट हट गई उसकी जगह इंडियन गवर्नमेंट आ गई, और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, सबसे पहले जमींदार को साइड करा, जिसको ऑनर बनाया था बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और बेटा किससे लैंड छीन छीन के, वो बेचारे फार्मर से, तो सबसे पहले जमींदार को साइड हटाया गया, अगेन बेटा फार्मर को आपने दोबारा ऑनर बना दिया उनकी खुद की लैंड का, ओके बात, ये हुआ सबसे पहला काम। दूसरा बात रेगुलेशन ऑफ रेंट, जिन फार्मर्स की अपनी जमीन नहीं थी बेटा, लोगों की जमीन पे काम करते थे, कल्टीवेशन का प्रोसेस करते थे बेटा, उनको फिर एक्सप्लोइट तो कर ही रहे थे बेटा जमींदार जिनकी लैंड पे वो काम करते थे, तो बेटा उनके लिए क्या करा गवर्नमेंट ने, रेंट फिक्स कर दिया, रेंट के ऊपर मैक्सिमम कैप लगा दी, कैप ये थी आपकी क्रॉप जितने रुपए की बिकेगी रेंट कभी भी उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि मैक्सिमम रेंट में भी 33% ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप, समझ गए ना। याद है तब क्या होता था बेटा, 60 से 70% आपकी क्रॉप का जमींदार ले जाते थे बेटा, अब 33% की कैप तो लग गई,
तो बेटा रेंट रेगुलेट कर दिया गवर्नमेंट। तीसरा काम करा बेटा लैंड कंसोलिडेशन, कल बोल चुका हूं बेटा ये सॉल्यूशन था स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग का। लैंड होल्डिंग बेटा स्मॉल होती थी और टूटी बिखरी होती थी, अब बेटा क्या करा एक ही जगह पर आपको लैंड अलॉट कर दी, जो आपकी स्कैटर्ड लैंड थी बेटा हेयर एंड देयर उसको गवर्नमेंट ने ले लिया। 5 बीघा एक जगह है, 10 बीघा एक जगह है, 15 बीघा एक जगह है। ऑब्वियस बात है बेटा इंसान 15 बीघे को यूज करेगा, 5 और 10 बीघा अनइकोनॉमिक रह जाती थी। गवर्नमेंट का 30 बीघा एक जगह पे ले लो, ये रजिस्ट्री मेरे नाम करो, मुझसे 30 बीघे की रजिस्ट्री ले लो। 30 बीघा एक जगह पर देने से क्या होगा बेटा, हमेशा आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बनेगी बचेगी। पहली बात ट्रैवलिंग टाइम बचेगा, दूसरी बात बेटा जब इतनी बड़ी लैंड होती है ना तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, इक्विपमेंट यूज कर सकते हो ना, ट्रैक्टर चला सकते हो ना। जब इतनी बड़ी लैंड होगी तो बेटा टेक्नोलॉजी सस्ती पड़ेगी ऑटोमेटिकली आपको। तो बाबू लैंड कंसोलिडेशन से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमेशा कम हो जाता है आपका। और फिर हमने बात करी लैंड सीलिंग की, कल मैं बता चुका हूं बेटा लैंड सीलिंग क्या होता है, द मैक्सिमम लैंड दैट अ फार्मर और हिज फैमिली कैन ओन, ठीक है ना बाबू, इसे बोलते हैं लैंड सीलिंग। बेटा इससे ज्यादा जमीन आपके नाम नहीं हो सकती इंडिया में, मैंने आपको एक चीज भी बोली थी 100 किला, ठीक है ना, एक मेजरमेंट करने की यूनिट है बेटा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना, एक पर्सन के नाम। तो बाबू बाकी सरप्लस लैंड का क्या होगा, अगर किसी के नाम थी तो वो गवर्नमेंट ले लेगी बेटा, और गवर्नमेंट किसको दे देगी बेटा, उन फार्मर्स को जिनके पास लैंड नहीं है, जो बेटा लोगों की जमीनों पे काम कर रहे थे। बात ओके, लैंड रिफॉर्म एक बार रीड कर लो फटाफट से बता दो, एक ही मिनट दूंगा बस बेटा। बेटा आप हेडिंग लिखेंगे टेक्निकल रिफॉर्म, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे आप, टेक्निकल रिफॉर्म्स। बाबू ये एनसीईआरटी में नहीं पढ़े आपने, अब पढ़ेंगे पहली बार, लिखो मैंने कल हल्की सी चर्चा की थी एचवाईवी सीट्स पर, सेम बुलेट बना दूंगा।
नोट करना है बेटा। चलो जी बेटा, बात कर रहे हैं टेक्निकल रिफॉर्म की। लैंड रिफॉर्म्स की चर्चा हो चुकी है, लैंड से रिलेटेड जितने चेंजेस थे पढ़ लिए, अब टेक्निकल चेंजेस जो गवर्नमेंट ने करवाए। बेटा सामने देख रहा मेरी तरफ, बेटा कभी कभी जब मैं ये पढ़ता हूँ मुझे लगता है मुझे किसान ना बनवा दे सरकार। बेटा सुनना, आपको भी लगेगा भाई क्या क्या पता लगेगा भी देखना। बाबू सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपोजिट, ठीक है ना, मैं फूड से स्टार्ट कर रहा हूँ, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बेटा गवर्नमेंट ने स्ट्रेस देना शुरू कर दिया कि सब साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग करेंगे, वो जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो छोड़ दो, भूल जाओ उसको। साइंटिफिक तरीका गवर्नमेंट ने बताना शुरू कर दिया कि साइंटिफिक तरीके से कैसे फार्मिंग हो सकती है, और गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या करा, 23 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करी बेटा, जो रिसर्च कंडक्ट करेंगी साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर। और बेटा साइंटिफिक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, इन्होंने बोला कम से कम ये तीन चीज़ें तो हैं। बेटा सबसे पहले उन यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च में निकल कर आया बेटा कि आपको अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना चाहिए। पता है आपको क्या होती है ये, देखो आप किसान बनोगे आप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बेटा इस ये एक प्रोसेस है, इसको टेक्निकली हम बोलते हैं फेलोइंग। मैं लिख देता हूँ, टेक्निकली बेटा इस चीज को बोला जाता है फेलोइंग, फॉलोइंग नहीं है बेटा, ये फेलोइंग है। फेलोइंग क्या प्रोसेस होता है बेटा, बाबू आपने एक क्रॉप प्रोड्यूस करी, 6 महीने का क्रॉप सीजन है उसका, आप उसके बाद क्या करते थे, एक और क्रॉप प्रोड्यूस कर देते थे जिसका क्रॉप सीजन 6 महीने का। बेटा मना करा करा, रिसर्च में आया ऐसे सॉइल की फर्टिलिटी जीरो हो जाएगी, 5 साल में ही बेटा सॉइल खत्म हो जाएगी। उन्होंने बोला कि जब आपने 6 महीने क्रॉप को प्रोड्यूस कर दिया उसके बाद सॉइल को क्या करो बेटा, कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दो। इस प्रोसेस को फेलोइंग बोलते हैं बेटा। ऐसे करने से क्या होता है, 1 से 2 महीने के बाद सॉइल अपनी फर्टिलिटी को दोबारा गेन कर लेती है, और फिर आप छोटी क्रॉप सीजन का एक क्रॉप प्रोड्यूस कर लो जिसके क्रॉप सीजन ही 3 से 4 महीने, तो आप साल में 2 क्रॉप प्रोड्यूस कर पाओगे और सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म नहीं होगी। समझ आई बेटा क्या प्रैक्टिस थी। देन बेटा रोटेशन ऑफ क्रॉप, आपको हमेशा बोला जाता है बेटा, और ये साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, कि अगर आप एक जैसी क्रॉप उगाते जाओगे तब भी बेटा सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है बेटा, क्रॉप को रोटेट करना है, और किस क्वालिटी के सीड्स यूज करने हैं बेटा, ये सब साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में लिखा गया। समझ आई बेटा टेक्निकल चेंज। बाबू और 3 टेक्निकल चेंज वैसे ऑल्दो इसकी चर्चा मैंने कल करी थी, यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, और यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। बेटा देखो HYV सीड्स अचानक से आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देता है, और यही एक रीजन था जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। खैर करूंगा कल चर्चा, लेकिन आज हल्की सी बात कर देता हूं। आप समझते हो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब था, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो बेटा ग्रीन वर्ड क्रॉप से लिया गया, और प्रोडक्टिविटी रेवोल्यूशन का मतलब है बेटा स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ना ग्रीन रेवोल्यूशन था। समझ आए बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या, ग्रीन मींस क्रॉप, प्रोडक्ट बाबू, रेवोल्यूशन मींस स्पॉट इन प्रोडक्टिविटी, एकदम से बहुत बड़ा उछाल आ जाना। बाबू HYV सीड्स की वजह से क्या हुआ था, एकदम से प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। पहले फार्मर्स क्या करता था भाई, थोड़ा सा ही प्रोड्यूस होती थी, घर चढ़ा लेता था, खुद खा लेता था, तो बेटा कभी दिमाग में नहीं आया कि बेचा जा सकता है इसको। और अचानक से बेटा HYV सीड्स गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए, और बेटा उसका डिस्ट्रीब्यूशन का कमाल इतना हुआ कि इतनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी होगी कि फार्मर को लगा कि बेच क्यों नहीं सकता, कमा क्यों नहीं सकता इससे मैं। और अचानक से बेटा इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। लेकिन बेटा HYV टेक्नोलॉजी महंगी है। महंगी क्यों है बेटा, अगर एक बार आप HYV सीड्स का यूज करते हो तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटा HYV सीड्स में बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऑटोमेटिकली बेटा आ जाते, तो उसकी वजह से आपको पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी यूज करना पड़ा। और बेटा बहुत सारी गवर्नमेंट ने क्या करे, 14 बेटा सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर बनाए, और बेटा जैसे आज की तारीख में आप गलियों में देखते हो ना बेटा, पेस्ट कंट्रोल के लिए बेटा बहुत सारी गाड़ियां आती है ना भाई, ठीक है ना, मच्छर मारने की दवाई है और ये दवाई है और वो दवाई है। ऐसे ही बेटा गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम रन करे ऑल ओवर द इंडिया, ताकि बेटा किसी की भी क्रॉप खराब ना हो किसी भी डिजीज की वजह से। बात ओके समझ आई।
बाबू केमिकल फर्टिलाइजर कल इस पे चर्चा हुई, आपके लिए मेरे लिए भी बड़ा भयानक वर्ड है। हम तो चाहते हैं हमें ऑर्गेनिक क्रॉप मिले, लेकिन बेटा देखो हर चीज का एक लिमिट में इस्तेमाल ठीक होता है। केमिकल फर्टिलाइजर का भी अगर ठीक इस्तेमाल करोगे तो ठीक है ना, लेकिन अगर आप हद से ज्यादा एक्सेस में करोगे तो वो बेटा हमारी बॉडी के लिए थोड़ा खतरनाक हो जाता है, ठीक है ना। तो 1950 टू 1990 पहली बार केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुए, और बेटा 2015-16 तक एक स्टैट अवेलेबल है 27.5 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुआ एक ही साल में, और अब तो बेटा भाग ही रहा है। रीड करके बताना टेक्निकल रिफॉर्म ओके हैं क्या। चलो जी बढ़े आगे बेटा, जनरल रिफॉर्म्स लिख रहा हूं आज, सिर्फ लिख लेते हैं बेटा, समझ कर लेंगे, जल्दी से लिखना शुरू करो। जनरल रिफॉर्म्स, अंश चुप हो जाए यार, एक ये अंश वाला ग्रुप चुप हो जाओ भाई, मैं आ गया बहुत दिक्कत होगी। अब सोच समझ के बोलना बेटा, जिसने जिसके अंदर दो चार थप्पड़ खाने की हिम्मत हो बोलेगा सिर्फ वही, जिसको देख लिया आज चाटे खा के जाएगा वो पक्का बता रहा हूं। अब ये खत्म नहीं हुई हेडिंग बेटा, और लिख रहा हूं ऊपर।
चलो आज के लिए इतना ही लिख लो, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।